हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए जो है एक टोपी लेकर आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी टोपी है। आप ये देखेंगे, इस तरीके से दिखती है ये। ये टोपी जो है मुझे किसी ने भेजी है कि ये आप बताइएगा। ये देखिए आप, ये मुझे जो है एक मेरी सब्सक्राइबर है पाकिस्तान से, उन्होंने भेजी है कि आप इस तरीके की टोपी बना के बताइएगा। वॉइस मेल पर उन्होंने भेजी है, वॉइस मैसेज पर। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी टोपी है ये। आप ये देखेंगे, बहुत सुंदर है। और ये जो है मैंने बॉर्न बेबी के लिए बनाई है। बाकी थोड़ा सा मेजरमेंट जो है मैं आपको बता दूंगी कि आगे किस तरीके से आप बड़ों के लिए भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए आप, ये देखेंगे 4-ply की बेबी वूल से बनाई है और 10 नंबर की सिलाई से इसे बनाया है। इस तरीके से दिखती है ये। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हम कि ये किस तरीके से बनेगी। हार्डली 50 to 60 grams में जो है ये पूरी आपकी बन के तैयार हो जाती है। चलिए देखिए, अब नॉर्मल जो है बेबी वूल ली है मैंने, क्योंकि बच्चों की टोपी बना रही हूँ। 3 नंबर हार्डली 3 फंदों से स्टार्ट होती है। ये जो टोपी बनाने जा रही हूँ ये मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है पाकिस्तान से, जुबेदा जी हैं, उन्होंने ये भेजा है कि आप इसे बना के दिखाइएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे। हार्डली 3 फंदों से शुरू होगी। अब देखिए करना क्या है। 3 फंदे डालने के बाद आपने जो है ये एक फंदा बनाना है। यहाँ जाली डालनी है, धागा अपने तरफ करके इस फंदे पे जाली डालनी है, ऐसे अगेन जाली डालनी है इस तरीके से, ऐसे। अब जो उल्टी लाइन है वो उल्टी बनेगी, ऐसे इस तरीके से। फिर सीधी लाइन में आ गए। अब ये जो है ऐसे उतारा, ये 2 फंदे बनाए। अब इसी सेंटर वाले लाइन में आपने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करके इस पे आपने जाली डाली, अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे सीधे बनाए। उल्टी लाइन पूरी उल्टी कीजिएगा। यही चीज़ अब आपको दोहराते हुए जानी, जो सेंटर में फंदा है उसी के आसपास फंदे बढ़ाते हुए जाइएगा। ये उतारा आपने, इसे बनाया, फिर इसे बनाया, यहाँ जाली डाली। ये जो सेंटर का फंदा है इसी पे जाली डालिएगा आसपास, ऐसे, फिर ऐसे, और ये फंदे आप बनाएंगे पलट के, उल्टी लाइन पूरी उल्टी। इसी तरीके से अब आप दोहराते हुए जाइएगा यही चीज़। तो हम आप ये देखेंगे आपके पास फंदे इसमें जो है बढ़ते हुए जाएंगे। ये देखिए सेंटर आया, जहां आसपास जाली बढ़ाई है, ये धागा आगे इस पे जाली, अगेन धागा आगे इस पे जाली। तो चलिए अब ये दोहराते हुए आप जाइएगा। पहले उल्टी लाइन पूरी उल्टी करनी है और इस तरीके से इसमें बढ़ाते हुए जाना है आपने। ये 26 जालियाँ मैंने बना ली हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 55 फंदे हो गए हैं। पतली वूल है इसीलिए 55 कर रही हूँ, अगर थोड़ी मोटी वूल होती तो कम रखती, इस चीज़ का आपने ध्यान रखा है। अब देखिए क्या करना है। अब हमने यहाँ से जो है फंदे ऐसे उठाने हैं, फिर यहाँ आना है और फिर यहाँ आना है। तो मैं आपको दूसरे कलर से उठा के दिखाऊँगी थोड़ा सा। एक तो मैं ये अपने जो है गले बुनने की सिलाइयाँ होती हैं इन्हें यूज़ करूँगी अब। आप चाहे तो नॉर्मल सिलाइयाँ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ से हम यहाँ से ये इस तरीके से फंदे उठाते हुए जाएंगे। मैं वाइट से उठाऊँगी इस तरीके से, ऐसे एक। तो अब आपने एक एक देखना है कैसे कितने फंदे उठेंगे। जहाँ तक मैं समझती हूँ मेरे को 22-24 फंदों से के आसपास उठने चाहिए यहाँ पर फंदे। तो अब उठाते हुए देखते हैं कि कितने फंदे उठेंगे। देखिए इस तरीके से एक एक करके, तो
अब ये देखिए मैंने यहाँ पे 28 फंदे जो है ये उठाए हैं, ये 28 फंदे हैं। अब यहाँ से भी उतने ही उठाऊंगी, जितने यहाँ से उठाए उतने ही यहाँ से भी। अब ये जो मेरे पास, ये इस समय मेरे पास 55 फंदे हैं, इन्हें तो मैं दूसरे में ले लेती हूँ। इसमें लेना वाइट से ये आपको इस तरीके से, अब जाली नहीं बनाऊंगी, जाली बनाना यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। ये देखिए ऐसे किया है। अब यहाँ से भी 28 फंदे उठाऊंगी जैसे वहाँ से उठाए थे। तो एक एक करके आपने इस तरीके से उठाना है ऐसे, अब ये देखिए 28 फंदे यहाँ से भी उठा लिए। अब आपने करना क्या है, एक लाइन ये तो पूरी यहाँ तक पूरी, जब ये 1 2 3 4 बना लूँगी तो एक लाइन होगी, तो उल्टी लाइन, फिर उसके बाद सीधी और उसके बाद उल्टी, इस तरीके से पहले तो मैं 3 लाइनें करूँगी और उसके बाद बताऊँगी फिर हम किस तरीके से इसमें करेंगे। तो अभी तो ये लाइन पूरी यहाँ से लेकर ये जो चारों मैंने फंदे उठाए हैं 4 सिलाइयों पर, इन्हें मैंने इस तरीके से उल्टा पूरा बनाते जाना है, फिर एक सीधा बनाना है और फिर एक उल्टा बनाना है ऐसे। ये 3 लाइन इस तरीके से पूरी कर ली है। अब आपने क्या करना है, हमने इसमें थोड़ा सा जो है ऊपर पहले भी बता चुकी हूँ, क्राउन की तरह बनाना है। आप देखिए करेंगे क्या, ये पहला फंदा उतारूंगी धागा अपनी तरफ और इन दो को मैं 2 का 1 करूंगी इस तरीके से, यानी कि मैंने जाली डाल के फंदे को बढ़ा दिया। अगर मैं फंदा कम कर रही हूँ तो बढ़ भी रहा है। फिर एक फंदा आपने बनाया, या एक नहीं भी बनाएंगे, पूरे में ऐसे ही करेंगे तो ये भी अच्छा लगेगा, या एक फंदा आप बनाएंगे इस तरीके से। देखिए एक बनाया, धागा अपनी तरफ किया, 2 का 1 किया, फिर धागा, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को इस तरीके से इकट्ठा बना देंगे, अगेन एक फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, 2 को 1 कर देंगे। पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, एक फंदा बनाना है, धागा अपनी तरफ करना है और 2 को 1 कर देना है आपने। एक बनाया, धागा अपनी तरफ, 2 को 1 कर दिया, फिर एक बनाया, धागा अपनी तरफ, 2 को 1। अब पूरी ये जो 4 सलाइयां हैं चारों आपने इसी तरीके से करना है, एक फंदा बनाना है और 2 को 1 करना है, और इसके बाद उल्टी लाइन हमने नॉर्मल जैसे बनाते हैं उस तरीके से ही बनानी है। तरीके से आपने बना लिया। अब उल्टी साइड पे आपने क्या करना है कि अब इसके बाद ये लाइन पूरी उल्टी बनेगी, ये सारी जितनी भी हमारी हैं सारी उल्टी बनेगी, उसके बाद एक सीधी बनेगी और एक उल्टी बनेगी, ऐसे करना है। और जो हमने यहाँ पे जाली डाली थी उसे हमने उल्टा ही जो है बनाना है। तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे, ये जो जाली दिख रही है आपको, ये आप ऐसे इसे उल्टा बनाएंगे, यानी कि जाली दिखनी चाहिए उसे हम इस तरीके से बनाएंगे नॉर्मल जैसे हम बना रहे हैं। अब ये पूरी लाइन उल्टी करेंगे, फिर एक सीधी करेंगे और फिर एक उल्टी करेंगे, इस तरीके से हम 3 लाइन फिर से करेंगे और उसके बाद बताती हूँ कि आगे हम किस तरीके से इसे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हो गया, आप ये देखेंगे जाली डाली है, इसके बाद जैसे बताया था एक उल्टी लाइन, एक सीधी और एक उल्टी। अब करना क्या है, अब हमें इन्हें इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है, ये इस तरीके से देखिए ये आएगा ऐसे। वो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखिए जो हमने ये फंदे उठाए थे ये हमने इस तरीके से लेना है, ये पहला फंदा है देखिए ऐसे,
और इसको इसके साथ हमने जो है ऐसे दो का एक करना है ऐसे। अगेन यहाँ से देखना है दूसरा फंदा कौन सा है, ये है, इसे उठाएंगे ऐसे इस तरीके से, इसे और इसके दोनों को ऐसे। फिर देखेंगे आप, ये देखिए ये तीसरा फंदा है ऐसे, ये देखना, ये जो हमने लाइन फंदे उठाए थे उसे देखना, ये देखिए, फिर इन दोनों को दो का एक। अब आपने ऐसे करते हुए पूरी जो है सिलाइयाँ इसी तरीके से ये करनी है। यहाँ से देखना है, ये देखें, ये देखिए, ये दिखेगा आपको, ये जो हमारे को वाइट वाइट दिख रहा है आप देखेंगे, जो हमने ये उठाए थे फंदे वही लेने हैं। तो ये लेना है, ये देखिए, ये फिर इसके और इसको आपने इकट्ठा बना देना है। अगेन इसे ऐसे करेंगे और ये वाला फंदा, ये देखिए, ये थोड़ा नीचे भी हो जाए फंदा तो आप उसे इस तरीके से ऊपर इस साइड से भी ले सकते हैं। देखिए इस साइड से लेकर इस पे चढ़ाइएगा और फिर दोनों को ऐसे बना दीजिए ये। फिर देखिए कौन सा फंदा है, ये है नेक्स्ट फंदा, ये वाइट, ये देखिए, ये इसे आपने ऐसे लेना है इस तरीके से और इस पे लेकर इन दोनों को इकट्ठा बना देना है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे आपका जो है ऐसा एक किंगरी कह लीजिए, क्राउन कह लीजिए, उस टाइप का बनेगा। ये देखिए ये दिख रहा है आपको वाइट फंदा, ऐसे इसे लेंगे इस तरीके से, फिर इस पे लेंगे और दो का एक कर देंगे। दो का एक ज़रूर कीजिएगा नहीं तो फंदे बढ़ जाएंगे आपके। देखिए आप एक एक करते हुए इसी तरीके से जाइएगा, ये इस पे डाला और इन दोनों को आपने इस तरीके से बना दिया, फिर ऐसे देखा, फिर इसे लिया ऐसे इस पे और दो का एक। अब ये सारी सिलाइयाँ आपने ऐसे ही करनी है और उसके बाद कम से कम हमें 3 से 3.5 इंच इसे जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बनाना है। अब आप चाहे तो आप डिज़ाइन डाल सकते हैं या एक सीधा एक उल्टा भी बना सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो देखिए पूरी लाइन पहले हमने इस तरीके से करनी है ये। देखिए इस तरीके से दिख रहा है आपको, ऐसे बनता हुआ जाएगा। अब आपने ये पूरे में इसी तरीके से करते हुए जाना है। अब ये इस तरीके से आप देखेंगे बना लिया है, देखिए ऐसे आया है ये इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, उल्टी लाइन पूरी बना ली। अब इसे कम से कम 3 से 3.5 इंच के आसपास मैंने बनाना है। या तो मैं सीधा 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 उल्टा बनाऊंगी नॉर्मल, या फिर आप इसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो मैं तो देखिए दो कलर का डिज़ाइन डालने जा रही हूँ इसमें, एक वाइट एंड रेड का जो है पैरेलल में चलाऊंगी। ऑलरेडी ये डिज़ाइन अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, देखिए एक वाइट एक रेड, इस तरीके से करते हुए मैं इसे बनाती हुई जाऊंगी। और उल्टे साइड उल्टी लाइन जब आएगी उसमें मैं रेड को वाइट करूंगी, वाइट को रेड करूंगी इस तरीके से। इसमें मैं कम से कम अब 3.5 इंच के आसपास जो है इसी तरीके से बनाते हुए जाऊंगी। ये देखिए आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए रेड एंड वाइट एक एक करके चलाया और उल्टी लाइन पे रेड को वाइट कर दूंगी, वाइट को रेड कर दूंगी इस तरीके से। इसे बनाते हुए अब मैं जाऊंगी। अब ये देखिए लाइन इस तरीके से आपने जब पूरी कर ली तो उल्टे साइड में आपने क्या करना है, ये जो वाइट दिख रहा है इसे रेड बनाएंगे ऐसे। ये देखिए बनाना आपने उल्टा ही है, इसे रेड बनाएंगे और ये जो रेड है इसे वाइट बनाएंगे ऐसे, ये वाइट है इसे रेड बनाएंगे, ये रेड है इसे वाइट बनाएंगे इस तरीके से। आपने अब यही दो लाइंस जो है रिपीट करते हुए जानी है, रेड पे वाइट, वाइट पे रेड करते हुए जो है आपने बनाना है।
अब आप ये देखिए इस तरीके से ये मैंने बना लिया है। आपको बता देती हूँ कि मैंने इसे कितना बनाया है, साढ़े, ये देखिए 3.25 इंच के आसपास है आप ये देखेंगे। अब इसके बाद ये 3 लाइंस मैंने ऐसे की है क्योंकि हमें ये बनाना है। ये जो मैंने यहाँ पे आपको बनाना बताया था ये हमें फिर से जो है इसमें यहाँ पे बनाना है। अब ये पोर्शन मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये इस तरीके से बच्चे के सिर पे रहेगा, यानी कि ये बैक है और ये बच्चे का साइड है। तो आप अपने हिसाब से बच्चे का जो साइड होगा, जो बैक से लेकर फ्रंट के कान से आगे तक होता है, ये वो साइड है, ये आप अपने हिसाब से देखकर बनाएंगे। ये मैं जो है बॉर्न बेबी के लिए बेसिकली बना रही हूँ, जो पैदा हुआ बच्चा होता है उससे लेकर 6 महीने तक के बच्चे को ही आएगा। अब करना क्या है, हमने इस तरीके से जैसे ये बनाया, ये बताया, वैसे ही सेम यहाँ पे भी बताऊँगी। तो 3 लाइंस देखिए आप, ये इस तरीके से की है मैंने, वाइट की बेसिकली 4 लाइंस है ये। अब वही जैसे यहाँ किया था वही करेंगे। एक आपने ऐसे किया, धागा अपनी तरफ किया, 2 का 1 किया, फिर एक फंदा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 का 1, अगेन एक फंदा बनाया, धागा अपनी तरफ, 2 का 1, फिर एक फंदा बनाया, धागा अपनी तरफ, 2 का 1। अब पूरी सिलाई ऐसे ही करेंगे। अब ये देखिए लास्ट में आ गए हम इस तरीके से, ये क्या कर लिया आपने पूरा। अब एक उल्टी लाइन, फिर एक सीधी लाइन, फिर एक उल्टी लाइन, उसके बाद जैसे फंदे वहाँ पे वैसे यहाँ पे बताए थे मैंने उठाने, वैसे ही मैं, आप ये देखेंगे इस तरीके से फंदे हैं यहाँ पे उठाऊँगी। पहले एक उल्टी लाइन बनाऊँगी, फिर एक सीधी बनाऊँगी, फिर एक उल्टी बनाऊँगी, और सीधे में फिर इसको फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ से उठाते हुए, जैसे मैंने इस वाले पोर्शन में आपको बताया था वहीं वैसे ही इसमें भी करूंगी। तो अब देखिए पहले उल्टी लाइन पूरी करेंगे, उसके बाद एक सीधी, फिर एक उल्टी, ऐसे ये सारे फंदे आपने इस तरीके से उल्टे बनाने हैं। अब ये देखिए इस तरीके से बना लिया आप देखेंगे। अब वही ये हमने ऐसे फोल्ड करना है ताकि ये हमें ऐसे दिखे। अब करना कैसे है, प्रोसीजर तो वही है। देखिए ये पहला जो है आप यहाँ से देखेंगे, ये पहला फंदा दिख रहा है मुझे, ये वाइट है, तो मैं यहाँ से इस तरीके से वाइट वाला फंदा ऐसे लूँगी और इन दोनों को इकट्ठा 2 का 1 कर दूँगी। आप चाहे तो ये रेड वाले से भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फंदा ये रेड दिख रहा है देखिए मुझे, ये देखिए, ये लूँगी, फिर इन दोनों को 1 कर दूँगी। अगेन यहाँ से देखूँगी, ये एक एक फंदा आपने आप इस तरीके से उठाते हुए जाना है और सारे बनाने हैं ऐसे, फिर ये। ये देखिएगा इस तरीके से आ रहा है, देखिए कितना सुंदर आ रहा है। अब आपने जस्ट ये करते हुए जाना है, इसके बाद एक लाइन उल्टी बनेगी और फिर मैं इसमें रेड कलर लगा के बॉर्डर बनाऊंगी, सीधे सीधे का बॉर्डर बना के फिर इसे मैं बंद कर दूंगी। फिलहाल तो पहले मैं ये उठा लेती हूँ, फिर एक लाइन वाइट बनाऊंगी एंड देन एक चौड़ा बॉर्डर बनाऊंगी, कम से कम इतना चौड़ा बॉर्डर बनाऊंगी इसका रेड कलर का, और वो बॉर्डर मैं सीधा सीधा दोनों तरफ से बनाते हुए जो है जाऊंगी। अब ये देखिए इस तरीके से पूरा कर लिया, आप ये देखेंगे ऐसे बना है, बहुत ही खूबसूरत सा बनता है ये। और एक लाइन मैंने सीधी की है वाइट में। अब हमने रेड कलर लगाना है और जस्ट उसका बॉर्डर बनाना है। अब आप बॉर्डर अपने हिसाब से जितना चौड़ा आपको चाहिए होगा उस हिसाब से जो है वो बॉर्डर बनाइएगा। बनाना दोनों तरफ सीधा सीधा है आपने ऐसे, ये। अब आपने दोनों तरफ इस तरीके से सीधा सीधा बनाते हुए जाना है, चाहे चौड़ा बनाइए पतला बनाइए, वो आप अपने हिसाब से अपने बच्चे के हिसाब से देखिएगा, और उसके बाद उसे हम एक एक करके जो है बंद कर देंगे।
अब ये मैंने इस तरीके से इतना बॉर्डर बना लिया। आप ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 लाइंस का बॉर्डर मैंने बनाया है, और उसके बाद उसे जो है बंद कर दिया। ऐसे देखेंगे, अब देखिए इस तरीके से अभी टोपी आई है आपकी। अब हमें जस्ट इसके यहाँ पे, आप चाहे तो नहीं भी बनाएं, बट मैं थोड़ा सा एक पट्टी बनाना चाहूँगी जो आगे भी बांधने में जो है इसके काम आए। तो मैं यहाँ से जो है फंदे उठाऊंगी, लेकिन उसके साथ मैं पट्टी के लिए, क्योंकि मुझे पट्टी भी करनी है, तो उसके लिए पहले मैं फंदे इस सिलाई में डालूंगी। अब फंदे देखिए, थोड़ी लंबी पट्टी करनी है तो आप उस हिसाब से यहाँ देख लीजिएगा कि कितनी लंबी चाहिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ, कम से कम इतनी लंबी पट्टी तो हमें आगे बांधने के लिए चाहिए। तो मैं यहीं से इसे इस तरीके से फंदे बनाऊंगी। देखिए, अब फंदे डालेंगे नॉर्मल जैसे डालते हैं आप। अब ये देखिए, मैंने 42 फंदे डाले हैं। आप चाहे तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। 42 डालने के बाद मैं यहाँ से फंदे उठाना शुरू करूँगी, और यहाँ से उठा के यहाँ तक आऊँगी, और उसके बाद यहाँ पे फिर उतने ही 42 फंदे डालूँगी। तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखिए, इस तरीके से लेंगे ये ऐसे, बस थोड़ा टाइट रखना आपने हाथ यहाँ पे हल्का सा। ये फिर दूसरा, ये डाला, ये। अब ये एक एक करके जो भी हमें वो दिख रहे हैं वहां पे, हमें एक एक करके फंदे इस तरीके से उठाने हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे आपने सारे फंदे जब उठा लेंगे, तो जितने फंदे यहाँ डाले होंगे, मैंने 42 डाले हैं, उतने ही फंदे आप यहाँ भी डालेंगे। अब आप डालें अपने अपने हिसाब से जिस तरीके से डालते हैं। मैं देखिए इस तरीके से डालूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इजिएस्ट वे रहता है जब हम इसे बाद में बनाते हैं। तो मैं इस तरीके से डालूंगी, एक ऐसे किया, देखिए ये बनाया, इसे इस पे ले लिया, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब इसी तरीके से मैं सारे फंदे डालूंगी। ये 42 फंदे डालने के बाद आपने जस्ट जो है नॉर्मल सीधा सीधा इस तरीके से दोनों तरफ बनाना है। बहुत ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बांधने के लिए बनानी है, तो नॉर्मल एक पट्टी बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं बनाऊंगी, और उसके बाद उसे बंद कर दूंगी। देखिए इस तरीके से आपने दोनों तरफ सीधा सीधा बनाते हुए जो है एक बॉर्डर सा, जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं उसी तरीके से करके आपने इसे बना लेना है, और उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। ये मैंने इस तरीके से इसमें जो है आप देखेंगे सिर्फ 6 लाइंस का बॉर्डर बनाया है इस तरीके से सीधा सीधा, और इसे आप ये देखिए बंद कर दिया। तो ये जो है ऐसे डोरी बन गई है इस तरीके से। तो आपकी ये टोपी देखेंगे आप, इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। ये जो है टोपी बॉर्न बेबी के लिए बनाई है। आपको अगर उसे थोड़ी बड़ी बनानी हो तो ये जो मैंने जालियाँ डाली है इससे ज़्यादा जालियाँ रखेगा। जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैंने यहाँ पे जो है 52 फंदे बढ़ाए थे, 3 फंदे तो ऑलरेडी थे। आपने उसके किसी और बड़े के लिए बनाना है तो इसमें ये जालियाँ जो है एक्स्ट्रा ज़्यादा कीजिएगा, उस हिसाब से बनाइएगा, और फिर हमारे ये फंदे भी ज़्यादा उठेंगे। तो आपकी ये टोपी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।